दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 T20 मैचों की सीरीज का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का ऐलान कर दिया है और इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्यों के स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के 15 सदस्यों के स्क्वाड में ऐसे ऐसे खतरनाक खिलाड़ियों की एंट्री कराई है जिसे देखकर इंग्लैंड के कप्तान जॉर्ज बटलर समेत पूरी इंग्लैंड की टीम को अभी से हारने का डर सताने लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम भारत का दौरा करेगी जहां पर 5 T20 मुकाबले, 3 वनडे मुकाबले और 5 टेस्ट मुकाबले खेलेगी। लेकिन दोस्तों फिलहाल ही BCCI ने भारत का T20 का 15 सदस्यों का स्क्वाड घोषित किया है जहां पर कई खतरनाक खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है और कई फ्लॉप खिलाड़ियों को इस T20 के फॉर्मेट से पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में कौन कौन से खतरनाक खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है और कौन कौन से फ्लॉप खिलाड़ियों को इस T20 सीरीज से पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और इस T20 सीरीज में कौन कौन से नए लड़कों को खेलने का मौका मिला है। और इसी के साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 T20 मुकाबले भारत के कौन कौन से स्टेडियमों में और कौन सी तारीख को कितने समय से खेले जाएंगे और ये सभी मुकाबले आप सभी को आप अपने मोबाइल फोन पर कौन से ऐप पर बिल्कुल फ्री में देख सकेंगे। दोस्तों पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में होने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम का 15 सदस्यों का स्क्वाड काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि टीम इंडिया T20 फॉर्मेट में इस समय काफी ज्यादा शानदार फॉर्म में चल रही है। 2024 के T20 वर्ल्ड कप से अब तक भारतीय टीम ने जितने भी T20 मुकाबले खेले हैं उनमें से सभी मुकाबलों में टीम इंडिया को शानदार जीत मिली है। मात्र एक मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों अब आने वाली T20 सीरीज के लिए यानी कि इंग्लैंड के साथ में होने वाली 5 मैचों की शानदार T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के 15 सदस्यों का स्क्वाड और टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों अगर इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड की बात करें तो यहां पर टीम इंडिया का कप्तान एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव को बनाया गया है और दोस्तों अगर उपकप्तान की बात करें तो यहां पर जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम का उपकप्तान बनाया गया है। दोस्तों इस 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय टीम के 15 सदस्यों के स्क्वाड में 4 खतरनाक बल्लेबाज, 2 विकेटकीपर, 5 शानदार ऑलराउंडर और 4 खतरनाक गेंदबाजों को शामिल किया गया है, जिनमें से अगर टीम इंडिया के शानदार बल्लेबाजों की बात करें तो यहां पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव, टीम इंडिया के शानदार बल्लेबाज रिंकू सिंह, सुमन गिल और अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों ये 5ों ही खिलाड़ी इस समय काफी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और टीम इंडिया के लिए लगातार प्रदर्शन करके दे रहे हैं। ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को लिए इंग्लैंड के सामने किसी भी मुकाबले में जीत दिलवा सकते हैं। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी काफी ज्यादा खतरनाक और बल्लेबाजों और गेंदबाजों से भरी हुई टीम है, लेकिन दोस्तों हमारी ये 4ों बल्लेबाज इतने खतरनाक बैट्समैन है जो अगर T20 फॉर्मेट में चल गए तो किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा सकते हैं, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस समय T20 के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और काफी लंबे समय से T20 फॉर्मेट में सूर्यकुमार यादव बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाते आए हैं। इसी वजह से टीम इंडिया इस बार भी इंग्लैंड की टीम पर भारी नजर आ रही है और ये 4ों ही काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं। दोस्तों अगर यहां पर विकेट कीपर्स की बात करें तो इस T20 सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ विकेट कीपर में 2 विकेटकीपरों को शामिल किया गया है, जिसमें से टीम इंडिया के शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और संजू सैमसन को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है। ये दोनों ही खिलाड़ी हालांकि अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन दोस्तों संजू सैमसन इस समय कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और सभी मुकाबलों में पूरी तरह से फ्लॉप नजर आ रहे हैं। लेकिन BCCI ने एक बार फिर से
संजू सैमसन को भारतीय टीम के स्क्वाड में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलने का मौका दिया है और अपने आप को साबित करने का मौका दिया है। इसके अलावा अगर ऑलराउंडरों की बात करें तो यहां पर टीम इंडिया के 5 ऑलराउंडर शामिल हो गए हैं, जिसमें से रियान पराग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को शामिल किया गया है। ये 5 ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए इस समय फेवरेट हो गए हैं और टीम इंडिया के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, चाहे रियान पराग की बात करो, हार्दिक पांड्या की बात करो, शिवम दुबे, अक्षर पटेल या वॉशिंगटन सुंदर, ये 5 ही खिलाड़ी दोनों छोरों से टीम इंडिया के लिए किसी भी मुकाबले में जीत दिलवा सकते हैं और ये कारनामा इन 5 खिलाड़ियों ने कई बार करके दिखाया है। जहां पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे तेज गेंदबाजी के साथ में खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, वहीं पर रियान पराग, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर अपनी घूमती हुई गेंदों से अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को नचाते हैं और समय आने पर काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करके टीम इंडिया के लिए मुकाबले जितवा देते हैं। इसी वजह से ये 5 खिलाड़ी, 5 ऑलराउंडर एक बार फिर से टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल हो गए हैं और एक बार फिर से इंग्लैंड के खिलाफ इस टी20 सीरीज में आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों, अगर यहां पर इस टी20 सीरीज में टीम इंडिया के गेंदबाजों की बात करें तो 4 खूंखार गेंदबाजों को शामिल किया गया है, जिसमें से टीम इंडिया के उप कप्तान जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह और टीम इंडिया के काफी ज्यादा खूंखार गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी होने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद शमी लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद मोहम्मद शमी इंजरी की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। अब मोहम्मद शमी पूरी तरह से फिट हो गए हैं और अब टीम इंडिया में वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दोस्तों, गेंदबाजों में टीम इंडिया के 4 ही तेज गेंदबाज भारतीय टीम के लिए काफी कारगर साबित होते हैं और टीम इंडिया के लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे मोहम्मद शमी की बात करो, चाहे मोहम्मद सिराज की, अर्शदीप हो या जसप्रीत बुमराह, टीम इंडिया के लिए किसी भी समय भारतीय टीम के लिए मुकाबला जितवाने में पूरी तरह से माहिर हैं। और दोस्तों, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए शुरू के और आखिरी के ओवरों में काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी करके मुकाबले जितवाते हैं। यहां पर एक तरह से देखा जाए तो भारतीय टीम का 15 सदस्यों का स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाफ इस 5 मैचों की टी20 सीरीज में काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। और दोस्तों, इस टी20 सीरीज के सभी टी20 मुकाबलों के वेन्यू की बात करें, यानी कि ये सभी टी20 मुकाबले कहां पर कितने बजे खेले जाएंगे, तो हम आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टी20 मुकाबला 22 जनवरी 2025 को शाम के 7 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। और दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ भारत का दूसरा टी20 मुकाबला यहां पर 25 जनवरी को शाम के 7 बजे से चेन्नई के मैदान पर खेला जाएगा और इस टी20 सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला 28 जनवरी 2025 को शाम के 7 बजे से राजकोट में खेलेगा। वहीं पर इस टी20 सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला 31 जनवरी 2025 को शाम के 7 बजे से पुणे में खेला जाएगा और इस टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी और फाइनल टी20 मुकाबला 2 फरवरी 2025 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये रहा भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 टी20 मैचों की सीरीज का शेड्यूल, वेन्यू और पूरी का पूरा स्क्वाड। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और इंग्लैंड में से इस टी20 सीरीज को कौन सी टीम जीतेगी? आप हमें कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।